वेलकम बैक दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मोबाइल से पैन कार्ड बनाना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है फिर भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके थ्रू किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अचानक से पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है और हमारे पास पैन कार्ड नहीं होता, उस कंडीशन में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि पैन कार्ड बनाने में महीनों लगेंगे, अब मैं क्या करूँ। इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर पैन कार्ड बनाएंगे और उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा, और कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो पैन कार्ड आपका सभी जगह पर मान्य होगा, चाहे वो बैंक हो, एजेंसी हो, या आप घर खरीद रहे हो, गवर्नमेंट के किसी भी काम में आप उस पैन कार्ड को यूज कर सकते हैं बेझिझक। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजीव राठौर। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और कुछ अच्छी जगह के ब्लॉग्स जो आपको देखने चाहिए, अच्छे लगेंगे देखने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और सीखते हैं 5 मिनट के अंदर कैसे हमको पैन कार्ड बनाना है, वो भी मोबाइल से बहुत ही ईजी वे में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको गूगल में दोस्तों सर्च करना है ई फाइलिंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस टाइप की ये साइट खुल जाएंगी। आपको क्या करना है दोस्तों, ये फर्स्ट वाली जो साइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में नीचे आपको इंस्टेंट ई पेन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों हमारे सामने ये नया इंटरफेस खुल गया है। अब आपको देखना है दोस्तों, नीचे आपको दिखाई दे जाएगा गेट न्यू ई पेन। आपको यहाँ पर देखिए नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गेट न्यू ई पेन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये हमारा आधार कार्ड नंबर मांगेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कन्फर्म दैट पर आपको क्लिक कर लेना है, ये बॉक्स के ऊपर इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये नया ऑप्शन खुल जाएगा, आपको इसको कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के इसको ओके कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दीजिए। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से। आपको यहाँ पर अपना वो ओटीपी फिल कर देना है। देखिए ये ओटीपी आ गया है 9227332733। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर देना है। जैसे कि आपने देखा ओटीपी आया और मैंने इसको फिल कर दिया, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आप देखेंगे आपकी सेम वही कंडीशन दिखाई देगी, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मैसेज आ जाएगा आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली बन गया है। इसके बाद दोस्तों बताती है हमारे पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको फर्स्ट वाले पेज में चले जाना है, जिसमें हमने फर्स्ट में काम किया था, जिसमें आपको दिखाई देगा गेट न्यू पैन और आपको दिखाई देगा डाउनलोड एंड चेक योर स्टेटस ऑफ पैन। तो हमको इसमें कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे सेकंड में आपको ये दिखाई देगा, तो आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। इसके बाद दोस्तों आपसे ये मांग रहा है आपका आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दें और आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। दोस्तों कुत्तों की आवाज़ बहुत आ रही है यार, क्या करूँ, कुत्ते बहुत चिल्ला रहे हैं अभी यहाँ पर, रात का टाइम है, रात में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये ओटीपी मांगेगा, ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। आप ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए आपके आधार कार्ड का इस टाइप का स्टेटस पूरा शो कर देगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो व्यू पैन का, उसके बाद आपको आएगा एक डाउनलोड ई पैन। तो आपको डाउनलोड ई पैन पर क्लिक कर लें और आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ फाइल होगी। इस पीडीएफ फाइल को आपको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगेगा और वो जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए 7/5/1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको 07/05 और 1990 डालना है, उसके बाद आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका पैन कार्ड है तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने दोस्तों की हेल्प करें और उनका पैन कार्ड बनाने में उनकी मदद करें, फ्री में उनका पैन कार्ड बना के दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।